हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हाजी बाइकर। कैसे आप सब लोग? उस दिन मैं जम्मू से वापस आ गया था, काफ़ी थक गया था मैं। करीब 2 दिन से मैंने वीडियो एडिटिंग नहीं किया था, तो आपको मेरा वीडियो काफ़ी देर से मिला होगा। और अभी तो धूप बहुत है, मेरा आंखें हल्के हल्के बंद हो रहे हैं, पर प्लीज़ आप उस चीज़ पर आप ध्यान मत दीजिए। आज बेसिकली हम लोग जा रहे हैं सुपर बाइक वर्ल्ड में। आपको वो जगह पता होगा, वो है करोल बाग में। तो मैं अपने एक फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ करोल बाग सुपर बाइक वर्ल्ड में। उधर एक बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, दोस्त नहीं कहूँगा पर दोस्त की तरह है, मैं उसको अपना ब्रदर की तरह मानता हूँ। आप सब लोग उसको जानते हो, आप कमेंट सेक्शन में बताओ वो कौन है, और आप लोगों को ज़रूर पता होगा वो कौन है। हम करोल बाग जाएंगे, उससे मिलेंगे और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या है वो। ठीक है, बहुत अच्छा है सुपर बाइक वर्ल्ड का शॉप का ओनर है वो, मेरे ख्याल से ओनर है। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, मुझको कुछ पता नहीं है। तो आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो लगेगा। हम वहाँ पर सुपर बाइक्स देखेंगे, जैसे हायाबुसा देखेंगे, इंट्रूडर देखेंगे। तो तब तक मैं तैयार होता हूँ, फिर चलते हैं। अभी बज रहे हैं 12:30 बज रहे हैं, वो भी दोपहर की। हम लोग निकलेंगे यहाँ से 2 बजे। यहाँ पे मुझको मिलना है पाटा चौक पे अपना फ्रेंड से, फिर हम वहाँ से करोल बाग जाएंगे और हम लोग वहाँ पर सुपर बाइक वर्ल्ड में मिलेंगे। और आप मेरा चैनल देखते रहिए, ठीक है। ये मैंने ख़रीदा हुआ है, इससे ग्रैंड पिट स्टॉप, ये मैंने आज ही मंगवाया है, काफ़ी अच्छा है। मुझको पड़ गया था 3,800 रुपये में, बहुत अच्छा है। अब इसका यूज़ है दैट मैं बेसिकली इसको इसलिए लिया है सो मैं अपना चेन लूप कर पाऊँ, चेन क्लीनिंग कर पाऊँ। काफ़ी अच्छा है ये ग्रैंड पिट स्टॉप, बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स बनाता है, इसलिए तो मैंने इसको परचेज किया। ओके गाइस, सो नाउ वी आर गोइंग। इस संडे कहाँ जाना है? इस संडे 3 टॉम हो गए, 2 बंदे दिल्ली के हैं और 1-2 और जा रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं, इस संडे को मैं फ्री हूँ। ओके राजा प्रिंस भाई, तो अभी अभी पता चला ये मेरे सब्सक्राइबर है मिस्टर प्रिंस भाई, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं तो खुद इतना आइडिया नहीं पड़ा पर। Thank you.
एक बार और आज आपके अपने गोल्डी बिया राजीव गुप्ता के चैनल के ऊपर सुपर बाइक्स वर्ल्ड और गोल्डी बिया के बारे में बताते हुए ज्यादा मुझे अपने बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सभी को पता है कि गोल्डी भैया के क्या जलजले हैं और गोल्डी भैया किस तरीके से काम करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, भाई का नया चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर तब कीजिएगा जब मुझसे प्यार करें। तो प्यारे दोस्तों, सारे के सारे सिनेमैटिक्स आपने भी देखे हैं, सारा वॉक आउट आपको सुपर बाइक्स वर्ल्ड का दिखाया है। अभी शोरूम की फर्स्ट वीडियो डलने जा रही है, ज़्यादा लंबी ना करते हुए इस वीडियो को सिनेमैटिक और सारे वॉक आउट को एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो कि हमारा पार्ट टू आएगा, जिसके अंदर हम आपको सारी बाइक की डिटेल बताएंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। 4 अगस्त को हमारे शोरूम की ओपनिंग है संडे की, नीचे आइए, सारे मोस्ट वेलकम है हमारी तरफ से, सबको हम लोग इनवाइट कर रहे हैं। आइए आके सुपर बाइक वर्ल्ड को देखिए, हमारे स्टॉक को देखिए, हमसे मिलिए, डील को समझिए। अगर लगे कि डील जेन्युइन है तो हमारे साथ डील क्रैक कीजिए। तो देर नहीं करनी, जल्द से जल्द सुपर बाइक वर्ल्ड, गोल्डी भैया आपके अपने, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन? बिल्कुल सर, वी वर जस्ट थिंकिंग दैट इफ एनी वन वॉन्ट्स टू कम एंड हैज नॉट वेरी बिग अमाउंट ऑफ मनी, कैन दे बाय एनी बिग बाइक? सो आई हैव ओनली बिग बाइक्स, आई एम नॉट डील्स इन स्मॉल क्राइटेरिया बाइक्स, आई एम ओनली डील्स इन हाई एंड बाइक, जिसके अंदर आप सारी ले सकते हैं, सुपर बाइक्स के अंदर जो भी आती हैं सारी हम डील करते हैं। ओके एंड बोलिए भैया, कैन यू एक्सप्लेन एवरीवन दैट व्हिच टाइप ऑफ बाइक्स यू हैव ओवर हियर? आई हैव 6 लाख रुपीस अबव बाइक्स, आई एम डीलिंग 600 सीसी अबव बाइक, KTM, ड्यूक, अपाची, आई एम नॉट डीलिंग इन दिस टाइप्स ऑफ बाइक्स, आई एम नॉट डीलिंग। तो कभी भी आप आए हाई एंड में, कभी भी आपको कोई भी डील करनी हो तो जल्द से जल्द आए सुपर बाइक्स वर्ल्ड पे। सारा सिनेमैटिक्स आपको दिखा दिया है, सारा स्टॉक आपको दिखा दिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर सारी डिटेल्स के साथ मिलते हैं एक नए जलजले के। थैंक्स अ लॉट।
ओके सो नाउ वी आर ओवर हियर द ब्रिज ओवर हियर एंड वी वेटिंग फॉर दिस वन ऑफ हिज फ्रेंड्स. आज मैंने बड़े सारे बाइक सीखे, मुझको एक बाइक कह रहा हूँ रिएक्शन तो ऐसे मिल रहे हैं, रिएक्शन ही कैच कर लो, वीडियो चल जाएगी. सही उठा रहा हूँ, अरे रिएक्शन सही उठा रहा हूँ. रिएक्शन तो तब मिलेगा जब हाया भूसा लेके जब बच्चे को जड़ा दूंगा. वैसे भैया एक चीज अच्छा था, डर खाली तीन बच्चे आए, अगर ऐसे पांच छह और आते तो आप तो कहीं के नहीं रहते. नहीं, 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 नहीं,